नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं। भारत देश की पावन धरा पर अनेक कवियों मनीषियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने साहित्यिक ज्ञान पुंज से संपूर्ण हिंदी जगत को आलोकित किया है। अनेक ख्यात प्राप्त कवियों और मनीषियों ने अपनी लेखनी की उपयोगिता से समाज सुधार के कार्य में सदैव अग्रणी रहे हैं, यथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद आदि। इन्हीं कवि मनीषियों में एक सुप्रसिद्ध नाम प्रकृति चेतना के प्रणेता सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का भी है। सुमित्रानंदन पंत का हिंदी भाषा साहित्य में अपूर्व स्थान है। इस महान कवि के नाम का उल्लेख किए बिना हिंदी भाषा साहित्य सदा ही अपूर्ण रहेगा। ऐसे मेधावी हिंदी भाषा साहित्य के कवि का जन्म 20 मई 1900 को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिला, जो वर्तमान में उत्तराखंड के कौसानी नाम गांव में हुआ था। पंत जी अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पंत जी को इनकी दादी माँ ने अपने लाड प्यार से सींच कर बड़ा किया, कारण कि इनके जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक शिक्षा का श्री गणेश अल्मोड़ा से हुआ। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था, परंतु इन्हें गोसाई दत्त नाम कतई पसंद नहीं था, अतः इन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके सुमित्रानंदन पंत कर लिया। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा के लिए मात्र 18 वर्ष में अपने भाई के पास बनारस आ गए। फिर आगे की शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले आए तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक की शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। सुमित्रानंदन पंत की मेधा 7 वर्ष में ही पल्लवित होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने 7 वर्ष में ही कविता लेखन आरंभ कर दिया था। प्रकृति के दर्शन करते और प्रकृति की गोद में खेलते हुए 7 वर्ष की अवस्था में सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी लेखनी से कविता को मूर्त रूप दिया था। उत्तराखंड का अल्मोड़ा, रानीखेत, देहरादून अपनी प्राकृतिक छवि के लिए प्रख्यात है। स्वदेश प्रेम से सुमित्रानंदन पंत भी अछूते नहीं थे। प्रत्येक नौजवानों की भांति इन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर गांधी जी का साथ देने के लिए सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गए। फिर इनकी विद्यालय की शिक्षा संभव न हो सकी। सुमित्रानंदन पंत ने वर्ष 1938 में रूपाभ नामक एक मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया। इन्होंने 1955 से 1962 तक आकाशवाणी को अपनी सेवा प्रदान किया तथा मुख्य निर्माता के पद को गौरवान्वित किया। सुमित्रानंदन पंत के जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था, जिनमें उल्लेखनीय रूप से पद्य, नाटक और निबंध का समावेश है। सुमित्रानंदन पंत का अपने पैतृक गांव कौसानी के जिस घर में बचपन बीता था, उस घर को प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत वीथिका नाम से सत्य संग्रहालय का रूप प्रदान किया गया है, जहां उनके प्रयोग की व्यक्तिगत वस्तुएं यथा कविता लेखने की मूल पांडुलिपियां, छायाचित्रों, कपड़ों, पत्रों तथा पुरस्कारों को प्रदर्शन हेतु संग्रहित किया गया है। सुमित्रानंदन पंत ने कई अनेक काव्य कृतियों को मूर्त रूप दिया है, यथा गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण, ग्रंथ ग्राम्या, कला, बूढ़ा चांद, सत्यकाम, चिदंबरा इत्यादि का समावेश है। पंत जी को 1918 के आसपास नवीन धारा के कवि के रूप में पहचान मिलने लगी। कुछ समय के बाद पंत जी का अपनी जन्मभूमि अल्मोड़ा आगमन हुआ। यहाँ पर पंत जी को कार्ल मार्क्स और फ्रायड की विचारधाराओं ने बहुत प्रभावित किया। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को साहित्य के सुनहरे दौर में एक विचारक, दार्शनिक तथा मानवतावादी स्वरूप के लिए भी जाना पहचाना जाता है, परंतु सुकुमार कवि पंत की कविताओं के दर्शन तो पल्लव में ही संभव होते हैं। पल्लव पंत जी की कलात्मक कविताओं का प्रसिद्ध संकलन है, जिसमें वर्ष 1918 से 1924 तक की 33 कविताओं को संकलित किया गया है।
सुमित्रानंदन पंत वीथिका संग्रहालय के एक पुस्तकालय में पंत जी की व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तक संग्रह स्थापित किया गया है। यहीं से महान कवि से संबंध रखने वाली सुमित्रानंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। हिंदी साहित्य के महान प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत को उनके साहित्य सेवा के लिए वर्ष 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ ही साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि के उच्च श्रेणी सम्मानों से विभूषित किया गया था। प्रकृति प्रेमी सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में सदा के लिए प्रकृति में विलीन हो गए।